हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंडिया SMNK में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित सभी छात्रों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने डिजिटल सिग्नेचर से अपनी यूनिवर्सिटी का, अपने कॉलेज का जो डेटा था उसे सत्यापित नहीं किया था, उसे फॉरवर्ड नहीं किया था, और उसका रिजल्ट ये निकल रहा है कि जो छात्रों के फॉर्म है स्कॉलरशिप के वो रिजेक्ट किए जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर द्वारा डिस्ट्रिक्ट लेवल से। ठीक है, तो आज इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में इसी के बारे में बात करेंगे, आपको बताएंगे क्या पूरा मामला है, यानी कि कौन से फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं और जो छात्र फॉर्म फिल कर रहे हैं उन्होंने बिल्कुल सही फॉर्म फिल किया है तब भी उनका जो फॉर्म है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से रिजेक्ट हो रहा है, तो इसका कोई सॉल्यूशन है या नहीं, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर आप लोगों ने यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल किया है और आपका फॉर्म वेरीफाई नहीं हुआ या फिर आपका डेटा फॉरवर्ड नहीं हुआ, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दिए। सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, देखिए पहले मैं आपको पूरी डिटेल्स में बता दूं बात क्या है। ठीक है, एक होता है कॉलेज लेवल से डेटा फॉरवर्ड करना, यानी कि फॉर्म को फॉरवर्ड करना। ठीक है, जो आपका हार्ड कॉपी कॉलेज में जमा करते हैं उसे फॉरवर्ड किया जाता है कॉलेज द्वारा। ठीक है, तो ये वाला जो फॉरवर्ड है ये सभी कॉलेजेस ने करा है, सभी स्टूडेंट्स के फॉर्म कॉलेज से फॉरवर्ड हुए हैं। मगर एक होता है डिजिटल सिग्नेचर से डेटा लॉक करना, प्लस जो डिजिटल सिग्नेचर से स्टूडेंट्स की अटेंडेंस, स्टूडेंट का कोर्स, कॉलेज की मान्यता को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो स्थापित किया जाता है यूनिवर्सिटी, तो उसी से संबंधित ये अपडेट है। काफी ज्यादा छात्र मुझे तीन या चार दिन से कमेंट्स कर रहे हैं कि सर हमारा जो डेटा है वो सत्यापित नहीं किया गया, हमारा फॉर्म पेंडिंग है, डिस्ट्रिक्ट वाले रिजेक्ट कर रहे हैं फॉर्म, इसमें हमारी गलती क्या है, कॉलेज ने वेरिफिकेशन नहीं कराया, हम तो फॉर्म बिल्कुल ठीक फिल कर रहे हैं, तो हम क्या करें, हमारे फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं, इसका कोई सॉल्यूशन बताइए। तो ये मैं आपको पूरा बताने वाला हूं कि इसका पूरा मैटर क्या है। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ, आपको मैं बताता हूं कि मैं कौन से वेरिफिकेशन की बात कर रहा हूं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे इसका कोई सॉल्यूशन है या नहीं, प्लस मैं भी समाज कल्याण विभाग गया, वहां पर मुझे क्या पता चला। सो गाइज, यहाँ पर अब मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखाने वाला हूँ कि मैं कौन से डेटा की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको सिंपली अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना है और वहाँ पे आपको सर्च कर लेना है sarkarijobfind.com। इसका जो लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूँ, आप लोग वहाँ से जा सकते हैं, डायरेक्ट क्रोम ब्राउजर पर भी सर्च कर सकते हैं sarkarijobfind.com। उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली नीचे आना है और आपको यहाँ पे चेक यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस 2022-23 पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप एक न्यू पेज पर आ जाएंगे जहाँ पे आप लोग 7 से 8 लिंक्स देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग अपना यूपी स्कॉलरशिप का प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एंड अदर देन इंटर का जो स्टेटस है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल दिखाने वाला हूं, तो यहां पे हम सिंपली पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर रिन्यूअल कैटेगरी का जो फॉर्म है उसे हम लॉगिन कर लेते हैं। तो यहां पे वेबसाइट का सर्वर जो है वो थोड़ा सा डाउन है, तो हम यहां पे ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाते हैं, वहां सर है, वहां से हम लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट वगैरह रिन्यूअल और पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर यहाँ पे सारी डिटेल्स में फिल करता हूँ, जैसे कि रजिस्ट्रेशन संख्या, डेट ऑफ बर्थ एंड पासवर्ड, और उसको ये वेरिफिकेशन करके आपको लाइव दिखाता हूँ कि कौन से स्टेटस की हम बात कर रहे हैं। सो गाइज, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जैसे ही आप अपना जो फॉर्म है वो लॉगिन करेंगे, जो उसका होम पेज है वहाँ पर ये लिखा हुआ आ जाएगा, संबंधित विश्वविद्यालय एवं एफिलेटिक एजेंसी द्वारा संस्था की मान्यता, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का वर्ष एवं अध्ययनरत वर्गवार, वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाइन स्थापित नहीं किया गया है। यानी कि जो संबंधित विश्वविद्यालय है और जो एफिलेटिंग एजेंसी है उसकी जो मान्यता है संस्था की, प्लस जो पाठ्यक्रम है यानी कि जो कोर्स है स्टूडेंट का, प्लस कोर्स का जो ईयर है, जैसे कि अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो ये कोर्स हो गया, और जो पाठ्यक्रम का वर्ष है वो हो गया बीटेक फर्स्ट ईयर में है, बीटेक सेकंड ईयर में है, बीटेक थर्ड ईयर में है, बीटेक फाइनल ईयर में, उसका वर्ष प्लस अध्ययनरत वर्गवार, वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाइन स्थापित नहीं किया गया है। ये सबसे बड़ा रीज़न है, यानी कि मोस्टली कॉलेजेस ने, मोस्टली यूनिवर्सिटीज जो है उन्होंने डेटा फॉरवर्ड नहीं किया। मोस्टली इसमें AKTU का नाम आ रहा है, AKTU ने डेटा फॉरवर्ड नहीं किया और सारे फॉर्म ऐसे रिजेक्ट हो रहे हैं जैसा कि अपडेट्स में पता चल रहा है। प्लस विकास भवन में, समाज कल्याण विभाग में भी यही बात पता चली, जब मैंने ये एक लड़के को विकास भवन पहुँचाया था, समाज कल्याण विभाग पहुँचाया था, वहाँ उसने जाके पूछा था, तो वहां से यही पता चला कि सारे फॉर्म रिजेक्ट होंगे। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट की कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आपका फॉर्म रिजेक्ट है, पेंडिंग है, फॉरवर्ड है, आपका भी डेटा फॉरवर्ड नहीं हुआ। ठीक है, अगर आपका डेटा फॉरवर्ड नहीं हुआ तो इस पर हम ट्विटर कंपेन चलाएंगे, उसका भी आप लोग कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा कि ट्विटर कंपेन चलाना चाहिए या नहीं। अगर आप लोग कहते हैं तो कल मॉर्निंग में वीडियो आएगी ट्विटर कंपेन की, क्योंकि टाइम अब बहुत कम बचा है, तो प्लीज कमेंट्स करिएगा। प्लस इस वीडियो को अपने सभी कॉलेजेस में, सभी ग्रुप्स में शेयर कर दिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंच जाए, क्योंकि हो सकता है कि जिनका डेटा फॉरवर्ड नहीं हुआ उनका पैसा नहीं आएगा, ये बात बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये कि कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए अब चलते हैं कैमरे की तरफ।
सो गाइज आप लोगों ने चेक कर लिया कि मैं कौन से डेटा की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक मेंबर को अपने समाज कल्याण विभाग अल्पसंख्यक विभाग भी भेजा था कल, तो वहाँ जाकर जब मैंने पूछा मतलब बात करवाई उस लड़के से, जो अधिकारी थे उनसे बात करवाई, तो उन्होंने ये कहा कि भाई मैंने लखनऊ में भी बात करी है, ये फॉर्म्स फॉरवर्ड नहीं होंगे। ठीक है, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि ये फॉर्म फॉरवर्ड नहीं होंगे और ये सारे फॉर्म रिजेक्ट होंगे। तो अब बात ये समझ में नहीं आ रही कि इसमें स्टूडेंट की गलती क्या है। ठीक है, स्टूडेंट ने देखिए एडमिशन लिया उस कॉलेज में, प्लस फीस भी जमा करी है, प्लस सारे फॉर्म जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो सही लगाए, फॉर्म बिल्कुल सही करा और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक फॉर्म पहुंच भी गया। अब जो यूनिवर्सिटी है, जो कॉलेज है, उसने अगर डेटा स्थापित नहीं करा, डेटा फॉरवर्ड नहीं करा, तो इसमें स्टूडेंट की क्या गलती है? स्टूडेंट का फॉर्म तो रिजेक्ट होगा, स्टूडेंट को स्कॉलरशिप का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। और ऐसे ही मुझे जो स्टूडेंट था जिसको मैंने भेजा था उसे भी यही बात विकास भवन में बताई गई, देखिए आपके जितने भी फॉर्म है ये रिजेक्ट होंगे, प्लस रिजेक्ट हो भी रहे हैं सारे फॉर्म। ठीक है, यानी मोस्टली फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं और आप लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या फॉरवर्ड हुआ है या पेंडिंग है, यानी कि आपकी यूनिवर्सिटी ने जो डेटा है वो स्थापित किया है या नहीं, और इस पर ट्विटर कंपेन चलाना चाहिए। यानी अगर आप लोगों के कमेंट्स आते हैं तो कल सुबह हम ट्विटर कंपेन चलाएंगे इसी टॉपिक पर, ताकि इसकी जो डेट है वो एक्सटेंड की जा सके। ठीक है, यानी कि इसकी डेट एक्सटेंड की जा सके, और बाद में जब डेट एक्सटेंड हो जाएगी, एक या दो दिन में डेट अगर एक्सटेंड हो जाती है, तो जितने भी वेरिफिकेशन नहीं हुआ था वो वेरिफिकेशन करके डेटा फॉरवर्ड कर दिया जाए, डेटा लॉक कर दिया जाए, उसके बाद उन छात्रों की स्कॉलरशिप भी आ जाए। ठीक है, तो आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और अगर किसी भी तरह की कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको वीडियो के थ्रू अपडेट कर दूंगा। सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।